ये छह पाप करने पर भगवान शिव देते हैं भयंकर दंड। दोस्तों शिव को जितना पूजो उतना कम होता है, रहे सबके मन की मनोकामनाएं स्वयं ही पूरा करते हैं और शिव को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। उन्हें पति के तौर पर भी पूजा जाता है और एक अच्छे पिता के तौर पर भी पूजा जाता है। अगर कुंवारी लड़कियां नंदी की पूजा करें तो शिव उन्हें कभी नाराज नहीं करते। वैसे तो शिव बहुत ही भोले हैं, उन्हें एक लोटा चढ़ाकर भी प्रसन्न किया जा सकता है। आज मैं आपको ऐसे छह पापों के बारे में बताऊंगी जिन्हें करने पर शिव जी अत्यंत भयंकर दंड देते हैं। शादी तोड़ने की कोशिश। जो भी लड़की शिव के मंदिर के सामने जो नंदी होते हैं उनके कान में स्वयं के लिए अच्छे पति प्राप्त होने की इच्छा प्रकट करती है, उन पर शिव हमेशा कृपा करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी दुष्ट वजह से शादी तोड़ने की कोशिश करता है, वो स्त्री किसी दूसरे के वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर शादी तोड़ने की कोशिश करती है, तो ऐसे लोगों को शिव जी अत्यंत भयंकर दंड देते हैं। जो पुरुष किसी दूसरे की पत्नी की तरफ बुरी नजर से देखता है और उनके वैवाहिक जीवन को नष्ट करने का प्रयास करता है, यह पाप कहलाता है। शिव जी उन्हें कभी भी क्षमा नहीं करते। पैसे की धोखेबाजी। अगर आप भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं तो भूलकर भी किसी के साथ पैसे को लेकर या किसी अन्य कारण को लेकर धोखेबाजी ना करें। पैसे की हेराफेरी करना, ये सब पाप की श्रेणी में आता है। शिव जी की नज़र में यह एक भयंकर पाप है। अत्यंत जितना आपको मिला है उसे शिव जी की कृपा समझकर जीवन बिताना चाहिए और कार्य करना चाहिए। कष्ट देने वाला। हमें कभी भी किसी नादान आदमी को कमजोर समझकर उसे कष्ट नहीं देना चाहिए। इसे घोर पाप माना जाता है। अक्सर लोग किसी भले आदमी को कमजोर समझकर कष्ट देने की सोचते हैं। ऐसे में भगवान उस पापी इंसान को दंड जरूर देते हैं। गलत रास्ता अपनाना। कई बार व्यक्ति जल्दी पैसा या अमीर बनने के लिए गलत रास्ता अपना लेता है। जल्दी अमीर बनने के लिए बहुत से गलत काम करने लगता है और किसी और को जिम्मेदार बना देता है। ऐसे में शिव जी कभी भी उस व्यक्ति को माफ नहीं करते। उसे भगवान अवश्य दंड देते हैं। बुरी सोच वाला। मानव को कभी भी किसी के लिए बुरी सोच नहीं रखनी चाहिए। बुरी सोच रखकर एवं दूसरों का आदर न करना, ऐसे मनुष्य को शिव जी बिल्कुल भी माफ नहीं करते और अवश्य ही दंड देते हैं। झूठ बोलने वाला। जो मनुष्य किसी को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से झूठ बोलता है, उसके साथ छल और कपट करता है, तो वह किसी भी सूरत में क्षमा के योगी नहीं होता। शिव जी ऐसे व्यक्ति पर कभी कृपा नहीं करते। जो व्यक्ति जानबूझकर किसी से झूठ बोलकर अपमान करता है, शिव जी उसे दंड अवश्य ही देते हैं। ये थी ऐसे मुश्किल रिपोर्ट।